छत्तीसगढ़ में डायरिया पैर पसार रहा है। महासमुंद जिले के बेलमुंडी गांव में करीब 30 ग्रामीण डायरिया की चपेट में हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। 15 से ज्यादा मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी मरीजों का गांव में ही इलाज चल रहा है। सरायपाली ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर बेलमुंडी गाँव में पिछले 3 दिनों से डायरिया मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गाँव में कैंप लगाकर सिर्फ स्टाफ नर्स के भरोसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कैंप में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। वे 10 से बहुत लोग परेशान हैं और करीब 5-6 परिवार हम लोग बेलमुंडी से यहाँ ओम हॉस्पिटल आए हैं। मेरे गांव में लगभग 25-30 जन ऐसे डायरिया फैला है, सबको यहीं लाए हैं। मेरे हॉस्पिटल जो ओम हॉस्पिटल में है यहाँ पे रखा है। हमारे गांव के पास में है, 2 किलोमीटर दूरी में कसडोर नाम का एक गाँव है। मेरा शायद वहाँ में मैं सोचता हूँ कि वहीं से फैला हुआ है, पहले से वहीं का। कल डिस्चार्ज हुआ है, एक आदमी उसको लेके गए हैं और उनको पहला हुआ है। हालांकि सरायपाली ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप तो लगाया है, लेकिन कैंप में सिर्फ नर्स और स्टाफ ही हैं, ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई अच्छी सी व्यवस्था। इस बात की जानकारी मिलते ही सरायपाली विधायक चातुरी नंद मरीजों का हालचाल जानने बेलमुंडी गांव पहुंची। गांव में लगे कैंप में डॉक्टर नहीं होने से विधायक ने नाराजगी जताई और BMO और CMHO को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो ये केवल रिफर सेंटर बन गए, केवल जो है शिविर के नाम पे दिखावा करे जाते। स्वास्थ्य विभाग पूरा यहाँ ढुलमुल चलत है, और अगर ये गांव के कोनो भी पेशेंट लाहानि पहुंचा थे, जनहानि होवा थे, तो मैं जो है ये शिकायत लेके आगे ऊपर तक जाऊं। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त नहीं होगी तो आगे हम आंदोलन घलो भी कर सकत हन। वहीं इस मामले पर चिकित्सा अधिकारी विजय आनंद कोसरिया ने कहा कि गांव में कैंप लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है, पानी की वजह से डायरिया फैलने की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर, RHO, CHO, महिला कार्यकर्ता सभी ने जाकर के घर घर विजिट किया कि एक विशेष मोहल्ले में डायरिया से लोग पीड़ित हैं, जो कि एक विशेष बोर से पानी पी रहे हैं। बोर के पानी को क्या कीटाणु है, किस कारण हो रहा है, उसको जांच के लिए सैंपल भी ले लिया गया है। हालांकि पानी में क्लोरीन डालकर पानी का सैंपल लिया गया है, जिसकी जांच भी स्वास्थ्य विभाग कराएगा, लेकिन स्वास्थ्य कैंप में डॉक्टर्स का ना होना कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।